Hello students, today I am going to start to explain a topic 4. Push or pull applied of an object is called force. Force can make a body move. जैसे आप किसी को धक्का देते हैं तो वो आगे की तरफ को गिर जाता है. Change the speed and direction of a moving body. कोई भी चलता हुआ इंसान हो, उसे आप थोड़ा सा पुश कर दीजिए तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी. स्टॉप अ मूविंग बॉडी. अगर कोई बॉल तेजी से आपकी तरफ को आ रही है और अगर आप उसे कैच कर लें तो वो चलती हुई बॉल एकदम रुक जाती है. जैसे कि इस झूले में ये लड़का पीछे धक्का दे रहा है तो आगे को लड़की जा रही है. अगर वो उसे रोक ले, पकड़ ले दोनों रोप्स को, तो ये चलती हुई आगे को लड़की रुक जाएगी. चेंज द शेप ऑफ द बॉडी. आपके पास कोई एम्प्टी बॉटल है, उसे आप कस के प्रेस कर दीजिए तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. स्पंज को कस के दबा दीजिए तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वर पिकिंग सम मैंगोज फ्रॉम द ग्राउंड. अ गैंग वाज सीन ओपनिंग द डोर ऑफ द लॉकर. अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वर किकिंग द फुटबॉल. पिकिंग उठाना, ओपनिंग खोलना एंड किकिंग तेज मारना और ऑल एक्शन दैट हेल्प इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन. ऑल द एक्शन दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ टू मूव. स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं फोर्स मेक्स अ बॉल मूव. कोई भी एक बॉल है जिसपे फोर्सफुली किक लगाई गई जिससे कि वो रुके ही बॉल आगे को भाग गई, उसमें मूवमेंट हो गया. फोर्स स्टॉप्स अ मूविंग बॉल. कोई तेजी से आती हुई बॉल इस बच्चे ने कैच कर ली जिसकी वजह से उसका मूवमेंट स्टॉप हो गया, वो रुक गई. फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. किसी भी चीज को हम कस के दबाएंगे या प्रेस करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. जैसे आपका स्कूल बैग अगर है, अगर उसको आप कस के प्रेस करेंगे तो उस बैग का शेप चेंज हो जाएगा. Thank you.